शिपमेंट से रिलेटेड हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये निकल के आता है कि यही जो है डॉक्यूमेंट ऑफ शिपमेंट भी होते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आया आउट ऑफ दीज विच आर नॉट डॉक्यूमेंट ऑफ शिपमेंट। अब देखिए जब हम डेट ऑफ शिपमेंट हो चुका हमारा, डेट ऑफ शिपमेंट के बाद क्या होगा, ये उस रास्ते से सामान आपका जिसमें भी जा रहा है, अगर हम ये बोलें कि पानी के जहाज में जा रहा है, तो ये पानी का जहाज जो है आपके जितने भी जहाज बने थे उन जहाजों को लेकर आपके जो डेस्टिनेशन है। अब यहाँ पे देखिए कई बार उसमें क्वेश्चंस में होता है ना कि वो जो शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं कि सामान कहाँ जाएगा, सामान की लोकेशन क्या होगी, किस पोर्ट से जाएगा, ये सब जो सीआईबी वाले बहुत ध्यान से सुने, उसमें केस स्टडी में यही आता है कि उसने चेन्नई पोर्ट से सामान रखा और चाइना के लिए उस जो भी पोर्ट है वहाँ का उसका नाम रखा हुआ है, अगर उसमें बदलाव होगा तो भी एलसी फेल हो सकती है। तो इसमें एक एक काम हमको अकॉर्डिंग टू पेपर एग्रीमेंट यानी एलसी एग्रीमेंट करना पड़ता है। हमने बोला कि हमने डेट ऑफ शिपमेंट कितनी तारीख को कर दिया, 20 तारीख को कर दिया, और हो सकता है जहाज 10 दिन बाद जाए। यहां सीआईबी वाले ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर 10 दिन बाद वो जहाज जा रहा है तो 10 दिन बाद जहाज जाता है तो भी डेट ऑफ शिपमेंट वही माना जाएगा जब आपने उसको शिपमेंट का बुक कर दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि डेट ऑफ शिपमेंट कॉन्ट्रैक्ट के पहले की हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में आखिरी डेट लिखी जाती है। अब डेट ऑफ शिपमेंट उससे पहले हो चुका है तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन किसी भी कंडीशन में डेट ऑफ शिपमेंट जैसा कि इस एग्रीमेंट में तय हुआ था, इस एग्रीमेंट में तय हुआ था कि हमारी डेट ऑफ शिपमेंट 31 अक्टूबर से पहले की होनी चाहिए, तो उसके बाद नहीं हो सकता, कॉन्ट्रैक्ट से पहले का हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब उसने सप्लाई भेज दी उसके बाद उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि यार मेरी सप्लाई तुम्हें मिल जाएगी, तुम मुझको पैसा नहीं दोगे, तो उन्होंने कहा चलो एलसी कर लेते हैं। जब एलसी कर ली तो उसने पेपर दे दिए उनको। ठीक है, चलिए अब इतनी देर हम जब बात कर रहे थे तो जहाज चलता हुआ उस कंट्री में पहुंच गया जहां बायर रहता है। अब जहाज तो यहां पहुंच गया तो क्या बायर को सामान मिल जाएगा? हो सकता है कि 20-20 डे में पहुंच गया हो जहाज, तो उसको सामान मिलेगा या नहीं मिलेगा बा, ये डिपेंड करता है कि क्या उसके पास सामान छुड़ाने के पेपर्स हैं। अब यहां पे बात करते हैं, देखिए जब जहाज चला था उसने शिपमेंट किया, उसी के साथ उसको ये पेपर्स, कौन से पेपर्स, डेट ऑफ शिपमेंट के सारे पेपर्स, ये जो पेपर्स हैं ये वाले, ये पेपर्स सारे हमने यहां लिख दिया पेपर्स, किसने दिए, शिपिंग कंपनी के शिपमेंट पेपर, ये शिपमेंट पेपर के साथ ये जो मैन्युफैक्चरर है ये मैन्युफैक्चरर कुछ और पेपर, जैसे पेपर का मतलब हो गया मैनुअल, बिल, वारंटी या गारंटी के पेपर, सर्विस पेपर, या उस सामान के साथ कोई इंटरनेशनल लाइसेंस चाहिए, तो ये जो पेपर हैं ये प्लस शिपमेंट पेपर एक अलग पार्टी है जिसका नाम है फ्रेट फॉरवर्डर। फ्रेट फॉरवर्डर अगर मैं कहूं तो ये कूरियर समझ लीजिए आप इसको। ये जो फ्रेट फॉरवर्डर है, ये फ्रेट फॉरवर्डर ये दोनों डॉक्यूमेंट लेता है, इन दोनों डॉक्यूमेंट को वो पहुंचा देता है किसके पास, आपके एडवाइजिंग बैंक के पास। और ये जो एडवाइजिंग बैंक है, एडवाइजिंग बैंक
इन पेपर को चेक करता है। अगर चेक करने के बाद दो कंडीशन हो सकती है, ओके और नॉट ओके। अब देखिए यहां पे एक क्वेश्चन आता है, हमने बोला कि हमने सामान 20 तारीख को चढ़ा दिया था। देखिए हमने सामान 20 तारीख को चढ़ा दिया था और 20 तारीख के बाद हमने ये सारे कागज इसको जो है 22 तारीख को भेज दिए। जो 22 तारीख को ये कागज भेजे हैं, इसको इस 22 में प्लस मिलते हैं 5 डे। इसमें क्वेश्चन आता है, अभी मैं थोड़ा घुमा के आपसे पूछूंगा। चार ऑप्शंस आते हैं इसमें, 5 बैंकिंग डे, 5 वर्किंग डे, 5 डेज या 1 वीक। तो देखिए इसका आंसर बिल्कुल क्लियर कट है, 5 बैंकिंग डेज। 5 बैंकिंग डेज से मतलब है कि 5 वो दिन जब बैंक खुलता है, उसमें से जिस दिन डॉक्यूमेंट इन होते हैं वो इन वाला दिन नहीं शामिल होता है। जिस दिन डॉक्यूमेंट बैंक को रिसीव होते हैं, हो सकता है बैंक को शाम को 5 बजे रिसीव हो, इसलिए वो दिन नहीं चलता। उसके बाद पूरे पूरे 5 बैंकिंग डेज उसको चेक करने के लिए मिलते हैं। अगर उसे नॉट ओके करना है तो उस कंडीशन में ये सारे डॉक्यूमेंट्स को उठा करके, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को उठा करके अगर नॉट ओके हैं तो ये वापस भेज देता है किसके पास, ये वापस भेज देता है इसके पास, और ये बोलता है कि इन डॉक्यूमेंट में कुछ क्या हो गई, डिस्क्रिपेंसी है, कमियां हैं, लेकिन ये 5 दिन से ज्यादा का समय नहीं लेगा। अगर 5 डे ले लिए उसने तो उसको पेमेंट पूरा करना पड़ेगा, चाहे डॉक्यूमेंट बिल्कुल ओके भी हैं तो भी। क्लियर हो गया बात? और अगर ओके हैं, अगर ओके हैं तो बहुत बड़ा सा थैला किसके पास पहुंचा देता है, इस मैन्युफैक्चरर के पास पहुंचा देता है। क्यों पहुंचा देता है? क्योंकि एलसी का एग्रीमेंट ही ये है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं अगर आप वो पूरा दे देते हो तो आपको पैसा देना पड़ेगा। सामान जो आपने रेलवे या जहाज से भेजा है वो मिला नहीं मिला, डूब गया, खराब था, कम था, ज्यादा था, उससे कोई मतलब नहीं है। उसकी क्वालिटी कैसी थी कोई मतलब नहीं है। और ये क्वेश्चन कई बार आता है प्रॉब्लम्स में, तो आप हमेशा एक ही बात ध्यान रखिएगा कि बैंक डील्स विद ओनली डॉक्यूमेंट, विद द डॉक्यूमेंट ओनली, नॉट विद द गुड्स। क्लियर हो गया? चलिए अब हमारा क्या हुआ कि हमने सामान भी भेज दिया सब कुछ, और सामान भेजने के साथ हमने क्या किया, पूरा जो है सामान भेजने के साथ पैसा भी दे दिया। आप देखिए अब जब पैसा भी दे दिया तो देखिए सेलर खुश हो गया। क्यों खुश हो गया सेलर? सेलर इसलिए खुश हो गया भैया उसको जो है पैसा मिल चुका, सामान वो भेज चुका था। अब सेलर खुश हो गया, अब किसकी चिंता बढ़ गई? अब बढ़ गई ये जो एडवाइजिंग या नेगोशिएटिंग या कंफर्मिंग। अभी कुछ शायद किसी बच्चे ने पूछा था कि कंफर्मिंग बैंक कौन है। देखिए कंफर्मिंग बैंक जो है वो एडवाइजिंग बैंक, नेगोशिएटिंग बैंक भी हो सकता है, उस कंडीशन में जब सेलर उसे कोई और बैंक का नाम लेने को नहीं बोल रहा है, तो वही खुद कंफर्मिंग बैंक भी हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो अब पैसा मिल गया इसको, अब जो है यहां से चिंता शुरू हो जाती है किसकी, एडवाइजिंग बैंक की। देखिए ये जो एडवाइजिंग बैंक है, इस एडवाइजिंग बैंक की चिंता शुरू हो गई। क्यों शुरू हो गई? क्योंकि उसने पैसा वहां दे दिया। अब पैसा दे दिया तो क्या होगा, तो वो क्या करता है, जिस दिन वो ओके करता है उसी दिन ये जितने भी डॉक्यूमेंट मिले थे, ये डॉक्यूमेंट उस ओके के साथ वो इन डॉक्यूमेंट को यहां भेजता है।
सपोज कीजिए कि ये काम जैसा हमने अभी बताया कि जब उसने शिपमेंट के पेपर 22/10 को दिए हैं, 22/10 को शिपमेंट के पेपर, उसको 3-4 दिन उसने लगा लिए और 27 तारीख को उसने पेमेंट कर दी, मान लिया 27 तारीख को पेमेंट कर दी। अगर 27 तारीख को पेमेंट कर दी उसने तो 1-8 दिन में उसने इधर भेज दी और इसको मिल गए साहब 29 तारीख को, 29 तारीख को इसको पैसा, वो सॉरी पेपर्स मिले। क्या मिले? अभी पैसा नहीं मिला, पेपर्स मिल गए। इसका काम भी दो ही है, क्या? या तो ओके या नॉट ओके। तो अगर ओके है तो क्या होगा, नॉट ओके है तो क्या होगा? देखिए, अगर ओके है तो ओके की कंडीशन में ये जो है जितना पैसा इसने उसको दिया था एलसी के अकॉर्डिंग, वो सारा पैसा दोबारा जो है उसको भिजवा देगा इधर। क्लियर हो गई बात? बिल्कुल। ये जो पैसा है, ये वाला जितने में भी डील हुआ था, ये पैसा ओके होने की कंडीशन में, ये ओके होने की कंडीशन है, ओके होने की कंडीशन में पैसा चला जाएगा। जब ओके होने की कंडीशन पैसा चला जाएगा तो ये जो चिंता में था, ये इसका काम वहां खुशी में बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि भैया इसने अपना जो पैसा फंसाया था, आज उसको पैसा मिल गया। ठीक हो गया? क्लियर हो गया? अब देखिए कितनी खूबी से काम हो रहा है इसमें, कि हर आदमी जो है बचता चला जा रहा है। किस बात से बच रहा है? जो पैसा उसने देना था वो हो जा रहा है। ठीक है, क्लियर हो गई? अच्छा, अब यहां पे देखिए जरा, यहां पे बहुत चीजें खुल के आती हैं, यहां पे थ्योरी और बढ़ जाती है आपकी। जब ये ओके हुआ था तो पैसे दे दिए, नॉट ओके में क्या करेगा? अगर नॉट ओके होगा तो नॉट होगा, ओके होगा तो ये उसके डॉक्यूमेंट्स को इधर दे देगा वापस, और क्या वापस करेगा? विद डिस्क्रिपेंसी विद इन, ये सेम आंसर है, विद इन 5 बैंकिंग डेज। बैंकिंग डेज और वर्किंग डेज में फर्क ये होता है कि बैंक खुला है, बैंक के स्टाफ आए हैं, लेकिन पब्लिक की ट्रांजेक्शंस नहीं हो रही हैं। अगर पब्लिक की ट्रांजेक्शंस नहीं हो रही हैं तो इसका मतलब वो वर्किंग डे तो है पर बैंकिंग डे नहीं है। जैसे कि आपके क्लोजिंग के दिन होते हैं, बैंक खुलता है लेकिन पब्लिक को अलाउ नहीं होता उस दिन आना। ठीक हो गया? क्लियर है? चलो, अब ओके होने पर अब हम आ गए पूरा किसकी तरफ आ गए, कौन सी कंट्री में आ गए? इंपोर्टर की कंट्री में आ गए। एक्सपोर्टर की कंट्री के बैंक को भी, एक्सपोर्टर की कंट्री के एक्सपोर्टर को भी अपना पैसा मिल चुका है। तो जब ये ओके होता है तो ओके होने में यहां पे कुछ बातें और निकल के आती हैं। क्या निकल के आती हैं? देखिए, एक बात तो ये है कि वो जितने भी पेपर्स हैं उन पेपर्स को भेजेगा, किसको भेजेगा भैया, पता ही है किसको भेजेगा? बायर्स को। क्यों भेजेगा पेपर्स बायर्स को? क्योंकि उन्हीं पेपर्स को दिखा करके वो शिपमेंट एजेंसी से अपना सामान यानी गुड्स ले लेगा, ये जो जहाज है ये उतार लेगा, यानी जहाज मिल गया उसको। लेकिन ये जो बैंक है इशूइंग या ओपनिंग बैंक, उसको उन पेपर्स के बदले में इससे क्या चाहिए भैया? पैसा चाहिए। अब ये देखिए, इस पैसे में मैंने बना दिया रुपए, अभी तक मैं बना रहा था डॉलर। देखिए यहां मैं डॉलर बना रहा था और यहां मैंने बना दिया रुपए। क्लियर हो गई बात? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये जो इंडियन, या इंडिया की बात कर रहे हैं हम, इंडियन का बायर है वो तो रुपए में देगा पैसे, ठीक है, और ये जो पैसे हैं ये बैंक के पास मिल जाएंगे, और जब बैंक को पैसे मिल जाएंगे तो सारी कहानी बहुत क्लियर हो जाएगी। अब एक बात बहुत जल्दी से 2 मिनट का रैपअप ले रहे हैं। देखिए, सबसे पहले सेलर और बायर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, नंबर 1।
उस कॉन्ट्रैक्ट में तय हुआ कि हम कितने दिनों बाद पैसा देंगे, लेकिन उसी कॉन्ट्रैक्ट में ये भी तय हुआ कि हम अपनी डीलिंग किसी बैंकों के माध्यम से करेंगे, बैंकों को बीच में लाएंगे, क्योंकि हमारी तुम्हारी तो लड़ाई होती रहती है, बैंक लोग अच्छा काम करते हैं। तो दोनों लोगों ने बैंक अपने बता दिए, उसने जो है इशूइंग बैंक को अप्रोच किया, इशूइंग बैंक ने 5 मार्च को कागज़ लिए और 8 मार्च को उसने LC को इशू करके आगे बढ़ा दिया। किस बैंक के लिए? एडवाइजिंग बैंक। एडवाइजिंग बैंक ने देखा, कागज़ देखे और अपनी सेलर पार्टी को 15-3 को डॉक्यूमेंट भेजे, उसने ओके कर दिया। जब उसने ओके कर दिया तो ये एडवाइजिंग जो है उसने कर दी, इशूइंग बैंक को एडवाइज कर दिया कि भैया सब कुछ ठीक है, ये रेडी है, ठीक है। उसी बीच में एक कंडीशन आई कि अगर वो कमजोर बैंक है उसको मान नहीं रहा, तो एक पार्टी आई कंफर्मिंग बैंक, उसी बीच में एक पार्टी आई नेगोशिएटिंग बैंक, ठीक है। तो ये क्या है, सारा चीज, सारा फिनोमेना इसमें यहां पे क्लियर हो गया। अब अगर हम बात करें कि जो ये पेमेंट आया था, पेमेंट भी हमने पता लग गया कि सबको आ गया। कभी कभी क्या होता है, इसमें एक नया नाम मैं जोड़ रहा हूं, उस बैंक का नाम है रीइंबर्सिंग बैंक। इसको ध्यान से सुनिएगा जरा, इसमें से भी एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। कौन सा बैंक उठा रहा हूं मैं? रीइंबर्सिंग बैंक, यहां बना दिया मैंने भैया, रीइंबर्सिंग बैंक। ये जो रीइंबर्सिंग बैंक है, इसका रोल समझ लीजिए। रीइंबर्सिंग बैंक कनेक्टेड होता है इश्यूइंग बैंक से, और ये जो पैसा यहां पर इस इश्यूइंग बैंक ने दिया था, वो पैसा जो है इस बार इसको ये देता है, ये देता है इसको। तो अब दो लाइनें मैं कनेक्ट कर रहा हूं, कौन कौन सी? एक तो ये वाली और एक ये वाली, यानी ये दो कंडीशंस हैं, या तो पैसा ऐसे जाएगा या पैसा ऐसे जाएगा, और लिख दिया मैंने, ठीक है, क्लियर हो गई। क्या होता है इसमें कि जो इश्यूइंग बैंक है, इश्यूइंग बैंक रीइंबर्सिंग बैंक से कॉन्टैक्ट रखता है और कहता है कि अगर एडवाइजिंग बैंक जो ये है, ये जो एडवाइजिंग बैंक है, ये आपको क्या दे दे? पेपर्स दे दे। क्या दे दे? पेपर्स। कौन से पेपर्स? जो पेपर्स को अप्रूव किया था इनको, उन पेपर्स का एक ओके होता है कि भैया कि हाँ वहां मैंने सामान भेज दिया है और आप अपने बैंक से पूछ लो। तो उनको हम बोलते हैं क्लेम। क्या बोलते हैं उनको हम? क्लेम। तो एडवाइजिंग बैंक क्लेम करता है रीइंबर्सिंग बैंक से। क्वेश्चन कई बार आता है और इसमें यह भी बोला जाता है कि विदाउट क्लेम जो है रीइंबर्समेंट नहीं होता, क्योंकि जब आप अपने बिल्स होते हैं आपके बैंकों में, तो बिल्स जब तक लोग सबमिट नहीं करते तब तक रिइंबर्समेंट नहीं होता है। क्लियर हो गई बात? चलिए और आगे बढ़ते हैं हम इसके साथ। तो रिइंबर्सिंग बैंक का पता लग गया, केवल वो होता है कि पेमेंट वहां से ना देके यहां से ले लिया, ठीक है। अब इधर देखिए कि हम बात ये कर रहे थे कि जब इश्यूइंग बैंक को पैसा मिल जाता है, अब जब इश्यूइंग बैंक को पैसा तो मिल गया, लेकिन इसमें 2-3 कंडीशन आती है। ये पैसा तो इमीडिएट मिल गया, एक कंडीशन है, ठीक है। अब दूसरा ऐसा हो सकता है कि ये कह दे कि यूजांस पीरियड ले ले इसमें। यूजांस का मतलब जब डॉक्यूमेंट्स, पूरे पूरे डॉक्यूमेंट्स 29-10 को मिल चुके थे, तो 29-10 में प्लस उसने कहा जिस दिन मेरे डॉक्यूमेंट आ जाएंगे उसके 120 दिन बाद आप मुझसे पेमेंट ले लेना, ठीक है। तो उसको यूजांस बिल हो गया। लेकिन यहीं पर ऐसा भी होता है कि जो इमीडिएट होता है उसको हम बोलते हैं साइट पेमेंट। क्या बोलते हैं? साइट। तो ऐसा भी हो सकता है उसने जो बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा था वो साइट वाला लिखा था, तो इमीडिएट पेमेंट हो जाएगा। साइट या इमीडिएट होना, यूजांस होना, दो कंडीशन आ गई, ठीक है। जैसे ही पेपर आएंगे तो हम आपको पैसा दे देंगे, ये बोलता है इंपोर्टर किससे? बैंक से बोलता है, ठीक है।
अब जैसे किसी बच्चे ने पूछा बैंक का कोई प्रॉफिट, बिल्कुल बैंक का इस सारे उसमें जैसे गारंटी एग्रीमेंट में प्रॉफिट कमाता है, कमीशन एक्सचेंज कमाता है, डीलिंग्स के चार्जेस कमाता है, तो उस पूरी डीलिंग का कुछ परसेंटेज बैंक जो है वो करता है। दूसरा फायदा एक और है जो यहां निकल के आ रहा है नंबर 3 पॉइंट पे ये निकल के आ रहा है कि हो सकता है कि वो जो बैंक है वो उसकी पार्टी बहुत अच्छी हो, उसकी पार्टी बहुत अच्छी हो। तो अगर पार्टी अच्छी है तो ऐसी कंडीशन में बैंक क्या करता है, उसको एक एडवांस भी सैंक्शन कर देता है। एडवांस सैंक्शन का मतलब लोन सैंक्शन कर देता है। अब लोन कैसा हो सकता है, टर्म लोन अधिकतर होते हैं। क्यों होते हैं टर्म लोन, या वर्किंग कैपिटल भी कर सकता है। टर्म लोन इसलिए होते हैं कि अधिकतर जो एलसी होती है, जो कैपिटल गुड्स होते हैं, जो मशीनरी वगैरह होती है, उसके लिए होता है। जैसे यहाँ पे कोई आपके कंट्री, आपके सिटी में कोई बहुत बड़े डॉक्टर्स हैं, वो आपके पास आते हैं कि हमें जर्मनी से एक एमआरआई मशीन मंगानी है 5 करोड़ रुपए की, तो उस कंडीशन में वो 5 करोड़ रुपए की एलसी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कि उस डॉक्टर को ये डर ना बना रहे कि मैंने पैसा भेज दिया और वहां से सामान ना आए, ठीक है, या सामान आए तो आए खराब आ जाए, तो इन सब चीजों को वो करने के लिए, ठीक है। तो वो अच्छी पार्टी के टर्म लोन कर देते हैं। और टर्म लोन की कंडीशन में देखिए, यहां पे देखिएगा, टर्म लोन की कंडीशन में जो बोरोवर का अकाउंट होता है डेबिट क्रेडिट और बैलेंस, तो जितने की मान लिया 1 करोड़ रुपए की एलसी थी, तो हमने बोला 29/10 को मिला, मान लिया 31/10 को उसने उसका अकाउंट डेबिट कर लिया। डेबिट करने का मतलब लोन अकाउंट डेबिट कर लिया और बैलेंस हो गया 1 करोड़। अब वो बोरोवर क्या होगा, अब 10 साल 5 साल जितने का लोन होगा उतने में किस्तें देता रहेगा और वो अपना लोन इंटरेस्ट के साथ जीरो कर देगा। तो ये तो लोन की कंडीशन हो गई, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे एक बात और आती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब बैंक कहता है मुझे पूरा एडवांस पेमेंट चाहिए, कौन कह रहा है इस समय, बैंक, बैंक वांट्स एडवांस फुल। ऐसा अक्सर बैंक इसलिए करता है कि बैंक को पहले ही पैसा मिल जाता है, और जिस दिन वो वहां से डॉक्यूमेंट आते हैं तो डॉक्यूमेंट आने पर बैंक जो पैसा उठा के वहां देता है। और इसमें पूछा जाता है कहाँ रखते हैं, तो ये जो पैसा है एलसी मार्जिन मनी अकाउंट में रख देते हैं। तो एलसी मार्जिन मनी अकाउंट में क्रेडिट हो गया है कब, थर्ड सॉरी जिस दिन एलसी हुई थी। एलसी कब हुई थी हमारी, 5 मार्च को हुई थी। क्लियर हो गया, फाइव मार्च को, 5 मार्च को उसने अपना जब सपोज कि 1 करोड़, तो 1 करोड़ रुपए क्रेडिट कर दिए, बैलेंस हो गया बैंक के पास 1 करोड़ रुपए। अब जिस दिन वो पूरा डॉक्यूमेंट्स आए ओपनिंग बैंक को, तो उस दिन क्या करेगा, इसी एलसी अकाउंट से 1 करोड़ रुपए डेबिट करेगा और उस अकाउंट को क्या कर देगा, नील कर देगा। किस दिन, जिस दिन एलसी आई, एलसी आई सपोज 29/10 को आई, ठीक हो गया, तो ये जो देखो नील हो गया। अब एलसी मार्जिन मनी अकाउंट जो होता है उसमें एक की ही नहीं कई सारी एंट्रीज होती हैं, और वो आपस में क्या होती हैं, जब जब पेमेंट आती रहती है तो एडजस्ट होती रहती है, ठीक है। अच्छा, अगर ये एडवांस ना दिया होता, अगर एडवांस ना दिया होता तो एलसी मार्जिन मनी अकाउंट कैसे ऑपरेट होता, देखिए जैसे इस कंडीशन में बात कर रहे हैं, इन तीनों कंडीशन में बात कर रहे हैं, तो एलसी मार्जिन मनी में अभी कोई भी क्रेडिट नहीं आया है, लेकिन 29 तारीख को आपने क्या करा, एलसी मार्जिन मनी अकाउंट डेबिट कर लिया कितने करोड़ से, 1 करोड़ से। तो ये 1 करोड़ की क्या है, आउटस्टैंडिंग बनी हुई है। अब जब आप बायर को डॉक्यूमेंट दे रहे थे तो उसने आपको पैसा देने में डिले कर दिया। इसमें देखिए एक क्वेश्चन आता है, उसका नाम है क्रिस्टलाइजेशन। क्वेश्चन आता है क्रिस्टलाइजेशन क्या है, ठीक है।
और जब ये डेबिट करता है 1 करोड़ रुपए, तो एलसी मार्जिन मनी अकाउंट जो होता है वो फॉरेन करेंसी में मेंटेन होता है। तो वो डॉलर्स जो हैं उसने यहां से डेबिट करके यहां दे दिए थे, देखो दे दिए थे, लेकिन आपका जो बोरोवर है या जो बायर है उसने पैसे देने में देरी कर दी। यानी डेबिट तो आपने कर लिया 29 अगस्त को, लेकिन हो सकता है कि वो 5 नवंबर तक आपको पैसा ना दे। तो आपने बैंकों ने पहले पहले रूल ये था, 10th डे का रूल था पहले, इसमें अभी नई बुक में चेंज आ गया है रूल। अब आरबीआई ने इस काम के लिए बैंकों को ऑथराइज कर दिया है, वो अपनी पार्टी से पैसा चाहे 10 दिन में लें, चाहे 20 दिन में, चाहे 6 महीने में, क्योंकि नुकसान तो बैंक का होगा। तो पहले जो था, इस पैसे को लेने की एक सीमा थी और वो सीमा थी 10th डे। अब वो हटा दिया रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। तो अब क्या होगा कि बैंक ने इंतजार किया, सपोज कीजिए 25 तक इंतजार कर लिया, नहीं आया, तो क्या करेगा, 25 तारीख को बैंक उस पार्टी के अकाउंट को डेबिट मार देगा, और डेबिट मारेगा मारेगा इक्विवेलेंट टू रुपीज में, और उसका जो कन्वर्जन है वो कहाँ कर देगा, यहां जमा कर देगा, और ये अकाउंट क्या कर देगा, नील। इसी प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं।